नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में कोरोना बीतने के साथ ही प्रसिद्ध गोवर्धन मेले का आयोजन किया जा रहा है। तकरीबन 139 सालों से इस मेले का आयोजन होता रहा है। कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा था। महामारी का दौर गुजरने के बाद इस साल मेले की शुरुआत की गई है। आयोजित होने वाले इस प्रसिद्ध मेले को लेकर आवाम के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। चरखारी तहसील में सुप्रसिद्ध गोवर्धन नाथ के मेले का आयोजन किया गया। मेले में दूर दराज के लोग पहुँच रहे हैं। बाहर से आए दुकानदारों के बीच मेले को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। चरखारी में पिछले 139 सालों से मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता रहा है। कोरोना महामारी के चलते गुजरे 2 सालों से इस मेले के आयोजन में रोक लगा दी गई थी। इस वर्ष एक बार फिर से मेले का आयोजन भव्यता के साथ किया जा रहा है, जिसको लेकर आवाम के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चरखारी को बुंदेली कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का इतिहास काफी पुराना रहा है। पुराने मंदिरों को लेकर काफी मशहूर रहने वाले इस तहसील में गोवर्धन नाथ जू का मंदिर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी नगरपालिका परिषद द्वारा अदा की जाती है। अभी हाल ही में पालिका परिषद चरखारी द्वारा इस मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपए का सरकारी बजट जारी किया गया है। मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। ये 139वां वर्ष श्री गोवर्धन नाथ जी का मेला का आयोजन रियासत कालीन से चला रहा है और इस मेले का महत्व धार्मिक और एक ये यहाँ का एक श्रद्धा का केंद्र है। तो इस मेले में धार्मिक और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। नगरपालिका परिषद द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है और दूर दराज के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं। एक महीने सहस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जी की सवारी यहाँ पर एक महीने तक बराबर मंदिर में यहीं पर वास करते हैं और उसके बाद 11 महीने चरखारी में अपने जो यहाँ पर उनका जो केंद्र है वहाँ पर रहते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था चूँकि आयोजन नगरपालिका का होता है, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है और वहाँ पर प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। नगरपालिका द्वारा भी अच्छा आयोजन किया गया है और निश्चित तौर से इस बार लोगों में, चूँकि पिछली बार कोविड की वजह से मेला का आयोजन नहीं हो सका था और इस बार लोग बाग दूर दराज से वहाँ पर बच्चे के लिए आकर्षण का केंद्र झूला और अन्य ऐसे मनोरंजक भी वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम की वजह से वहाँ पे चहल पहल रहती है और लोग अपने उसमें कार्यक्रम में आते हैं, आनंद लेते हैं। कोई नहीं है कमी, कोई चीज़ की कमी नहीं है, है? हम सुबह आए थे करीब, सुबह आए थे, सुबह आने के बाद निर्भर करेंगे, शाम को घर चले आएंगे अपने बाजार की बारा बाजार आते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं है। कितना कमा लेते हैं आप? 400-500 रुपये शाम तक मिल जाएंगे। परिवार पलता है आपका? हाँ, चल जाता है। उच्च स्तर की व्यवस्था की गई, यहाँ पर सुरक्षा की पूरी तरह से कोई भी गुंजाइश नहीं छूटी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और अधिकारी तैनात हैं और हर अनजाने वाले व्यक्ति पर पैनी नज़र रखी जा रही है, किसी भी तरह की कोई हानि ना हो, इसलिए फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था की गई है और दुकानदारों को पूरी तरह से भयमुक्त होकर दुकानदारी करने के लिए कहा गया, जिस प्रकार कानून व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। आप कैसा एहसास कर रहे हैं? हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा गर्वमान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही विकास और बहुत ही हर्षोल्लास का मेला कहा जाता है और कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ की पुलिस प्रशासन कैसी काम कर रही है? पुलिस व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उससे भी ज़्यादा बड़ी तैनात है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है।